तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने वाली नेहा मेहता अब कहाँ है और क्या कर रही है, और आपको खजाना मिल गया तो क्या वो सरकार ले लेगी या आपका हो जाएगा, और प्यार के जोड़ों को अलग करने के लिए इस व्यक्ति ने किया कुछ ऐसा कि हंस पड़ोगे आप, और बस दो तीन कुल्फी बनाकर कैसे कमा रहा है ये लड़का करोड़ों रुपए, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर वन, पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अंजलि का किरदार निभाने वाली नेहा मेहता को तो आप में से सभी लोग जानते होंगे। इस शो के बाद ये पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। इन्हें बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस माना जाता है। दरअसल इनके पिता जो थे वो एक लेखक थे, जिसकी वजह से इन्हें पहले से ही नाटक और डांस में काफी ज्यादा रुचि थी। इसीलिए उन्होंने क्लासिकल डांस करना भी सीखा और काफी छोटी उम्र से ये स्टेज पर परफॉर्म करती आ रही हैं। जिसके बाद 2002 में उन्होंने पहली बार टीवी शो में काम किया, जिस शो का नाम था भाभी। इस शो में भी इन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ये शो 2008 में खत्म हुआ और उसके बाद इन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने का मौका मिला। इस बीच इन्होंने कई और टीवी शोज और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इन्हें बॉलीवुड जमा नहीं। हाल ही में कुछ वक्त पहले ही इन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ दिया। अभी इनकी उम्र 43 साल की है, इसके बाद भी उन्होंने शादी नहीं की। नंबर टू, आपने भी कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि काश मुझे कोई खजाना मिल जाए, उसके बाद मैं मालामाल हो जाऊंगा। पर क्या खजाना मिलने के बाद आप लीगली उसके मालिक बनेंगे? अगर आपको कभी खजाना मिल जाता है तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि आपको अगर 10 रुपए से ज्यादा की कीमत का कोई भी खजाना मिलता है तो उसको आपको पब्लिश करना पड़ेगा कि मुझे खजाना मिला है, और अगर ये किसी और का है तो वो आकर ले सकता है, और अगर वो वहाँ पर आ गया तो फिर खजाना 50-50 का होगा। लेकिन अगर आपको उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं है तो फिर आप कोर्ट में लेकर जा सकते हो, और कोर्ट में अगर उस व्यक्ति ने प्रूफ कर दिया ये खजाना उसका है तो फिर 50-50 होगा, और अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया तो सारा खजाना आपका रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर उस खजाने की उम्र 100 साल से ज्यादा की है, यानी कि उस खजाने को 100 साल पहले छुपाया गया था, तो सारा का सारा गवर्नमेंट का हुआ और आपको एक ठेंगा भी नहीं मिलेगा। नंबर थ्री, वैलेंटाइन के दिन ज्यादातर कपल पिक्चर देखने जाते हैं, हालांकि उनका पिक्चर पर तो ध्यान नहीं रहता और वो कोई और काम में बिजी रहते हैं, लेकिन इस बात से चाइना का एक व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान था। चाइना का ये व्यक्ति दरअसल सिंगल था, यानी कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो इसने वैलेंटाइन के दिन एक थिएटर की हर अल्टरनेटिव सीट बुक कर ली, यानी कि एक बुक नहीं की दूसरी बुक की, ऐसे करके पूरे थिएटर की सारी अल्टरनेटिव सीट बुक कर ली, और 50% सीट बुक करने के बाद उसने उस थिएटर को पूरे दिन के लिए बुक किया, जिसके बाद जो भी कपल यहाँ पर आए तो इन्हें अल्टरनेटिव सीट पर बैठना पड़ा, यानी कि वो एक साथ नहीं बैठ पाए। इस चीज के लिए इस आदमी ने बहुत सारे पैसे खर्च किए, वहीं पर कई लोग तो इस आदमी को सोशल मीडिया पर देव मानुष बुला रहे थे, तो वहीं कई लोग इसे बेवकूफ कह रहे थे इतने पैसे खर्च करने के लिए। नंबर फोर, एक बार जरा इस अजीब से जीव को देखिए, आपको क्या लगता है ये क्या है? यकीनन इसे देखने के बाद आप नहीं बता पा रहे होंगे कि ये अजीब सा जीव क्या है। हम आपको बता दें कि ये एक जापानीज जॉइंट सैलामेंडर है। ये सैलामेंडर की प्रजाति है जो कि जापान के ज्यादातर हिस्सों में पाई जाती है, और ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। किसी आम सैलामेंडर के कंपैरिजन में ये किसी दानव के जैसे लगते हैं, क्योंकि इनका आकार इनके मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये अपना ज्यादातर वक्त पानी या फिर गीली जगह पर ही बिताना पसंद करते हैं। इनका रंग ब्राउन कलर का होता है, जो कि इन्हें कैमोफ्लॉज करने में भी मदद करता है। इस जानवर को लेकर जापान में कई मान्यता भी है, और एक वक्त में माना जाता था कि ये बहुत बड़े हुआ करते थे और ये समुद्री दानव हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ इनका आकार छोटा हो गया। और कमाल की बात यह है कि अगर इनके लिम्स कट जाते हैं तो ये फिर से उग जाते हैं। नंबर फाइव, कपड़ों की बहुत बड़ी ब्रांड है ज़ारा के बारे में आप जानते होंगे। इस ब्रांड के कपड़े बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, और बस बहुत ज्यादा अमीर लोग ही उसके कपड़ों को खरीद पाते हैं। और ऐसे ही जो भी बहुत ज्यादा महंगी ब्रांड्स होती है कपड़ों की, वो अपने बहुत सारे पैसे ब्रांडिंग पर लगाते हैं, लेकिन वहीं पर ज़ारा जो है वो अपनी कमाई का बस 0.3% पैसा ही ब्रांडिंग पर लगाते हैं। दरअसल इसकी एक टेक्निक है, ये हर 2 हफ्तों में नए डिजाइन के कपड़े बनाता है और पुराने डिजाइन को बंद कर देता है। ऐसे में ये जो भी नए कपड़े लाता है तो इनके ये नए कपड़े तुरंत बिक जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये नया फैशन है, और अगर इसे नहीं खरीदा गया तो फिर कोई और खरीदेगा और फिर वो इससे हाथ धो बैठेंगे। जो लोग कपड़े के शौकीन होते हैं वो ज़ारा के नए कपड़ों को खरीद लेते हैं, ऐसे ज़ारा को अपने नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। नंबर सिक्स, आपने आज तक कई अलग अलग रंग की गाय देखी होगी, क्योंकि गाय जो होती है उनके शरीर पर व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक कलर होता है, और कई बार तो स्पॉट्स वाली गाय भी होती है। लेकिन कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर एक ऐसी गाय का वीडियो वायरल हो रहा है जैसे गाय को लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। ये पूरी तरीके से काली है और उसके ऊपर सफेद रंग के बहुत छोटे छोटे कई अलग अलग स्पॉट्स है। वैसे तो कई गाय होती जो कि ब्लैक कलर की होती है और उन पर व्हाइट कलर के स्पॉट होते हैं, लेकिन ये गाय दुर्लभ है क्योंकि इसके शरीर पर बहुत सारे स्पॉट्स है और वो भी बहुत ही छोटे छोटे, और इसे देखने पर लगता है जैसे कि रात को हम आसमान में देख रहे हैं, क्योंकि रात को तारे कुछ ऐसे ही नजर आते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों ने इसको गैलेक्सी काउ नाम दिया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है, इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 7। आए दिन लोग सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। ऐसे में अगर मैं आपको कहूं कि ये एक लड़का सोशल मीडिया पर बस कुल्फी बनाने की वजह से वायरल हुआ है तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ये लड़का असलियत में पाकिस्तान का है, लेकिन ये रहता कनाडा में है और इसे कुकिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। इसे तरह तरह की डिश बनाना पसंद है और इसीलिए इसने इस प्रकार की कई वीडियो सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। और जब एक बार इसने कुल्फी के ऊपर एक वीडियो बनाया था तो वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद इसने कई अलग अलग प्रकार की कुल्फी बनाकर वीडियो को डाला और ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे कई ऐप पर बहुत ज्यादा वायरल हो गया और फेमस हो गया। आज ये और भी कई अलग अलग चीजें ट्राई करता है और लोगों को इनके वीडियो बहुत पसंद आते हैं। नंबर 8। आपको पता होगा ट्रेन में अलग अलग प्रकार के कोचेस होते हैं, जैसे कि नॉर्मल कोच और एसी कोच। लेकिन क्या आपको पता है अब एक नए प्रकार की ट्रेन बन रही है जो कि बहुत ही ज्यादा हाईटेक होगी और इसे इंडियन रेलवे की फ्यूचर ट्रेन कहा जा रहा है। ये ट्रेन का डिजाइन भी काफी ज्यादा अच्छा है और इसका जो लोको ड्राइवर होता है उसके केबिन में एसी लगा होना, यानी कि जो सबसे आगे वाला कोच होता है जिसमें कि ड्राइवर बैठता है, वो पहले बिल्कुल नॉर्मल हुआ करता था और उसमें बस फैन की सुविधा ही दी जाती थी और कई बार गर्मी में ये बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता था क्योंकि उन्हें पूरे दिन ट्रेन चलानी रहती है। इसीलिए अब ये जो सबसे आगे वाला केबिन होता है जिसमें ड्राइवर होता है उसमें अब से एसी होगा। अब ये चाहे नॉर्मल कोच वाली ट्रेन हो या एसी कोच वाली, सारी कोच में ड्राइवर रूम में एसी होगी ही।